हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 15 मिनट में बनने वाली कद्दू और चने दाल की सब्ज़ी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 बड़े चम्मच कुकर में तेल डाला। तेल थोड़ा गर्म हो जाने के बाद हम इसमें अब आधा चम्मच पंचफोरन डालेंगे। पंचफोरन थोड़ा चटक जाता है, उसके बाद हम लोग इसमें 2 से 3 हरी मिर्च तोड़ के डाल देंगे। और फ्लेम को लो मीडियम पे करके अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने यहाँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। मसाले डालते के साथ ही मैंने इसमें चने की दाल, जो कि आधा घंटे तक मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था, उसे साथ में ही डाल के अच्छे से चला देंगे और लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, जिससे मसाले पक जाए। मसाले यहाँ थोड़े से पक जाने के बाद मैंने इसमें आधा कप पानी डाला। आधा कप पानी डाल के इसे हम फिर से चला देंगे। ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम लो ही रखें। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डाल के इसे एक बार अच्छे से आप चला दें। और अब इसमें मैंने यहाँ पर लगभग 1/3 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है। काली मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें कद्दू डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने लगभग 500 ग्राम कद्दू लिया था, इसे मैंने छिल के अच्छे से धो लिया। कद्दू डाल के आप इसे 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पका लें। कद्दू का थोड़ा कच्चापन निकल जाए तब तक इसे फ्राई कर लें। तो यहाँ 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसे चला देंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके 3 सीटी आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर 3 सीटी हो चुका है। तो चलिए अब कुकर का ढक्कन खोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कद्दू और चने की सब्जी बनके रेडी है, आप देख सकते हैं इसे। ये दिखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसे रोटी और चावल की दोनों के साथ खा सकते हैं। देखिए, मैं कद्दू को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, कद्दू पूरी तरह से पक गया है और दाल भी पूरी तरह से पक चुका है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।